नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग रेलवे ए एल पी टेक्निशियन और एन टी पी सी में नए पैटर्न पर आधारित टी सी एस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास फोर वीडियो देखेंगे जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है आज का कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पहला नंबर तो यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसी जो द्रव में होता है पूर्णता या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर जो ऊपर की ओर बल लगता है वो क्या कहलाता है उत्प्लावन बल कहलाता है पिंड द्वारा विस्थापित जो उत्पलावन बल है वो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है ये कथन किससे संबंधित है तो ये आर्कमंडीज का सिद्धांत से संबंधित है इसका कोरेक्ट आंसर हो गया आर्कमंडिज का सिद्धांत नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार अस्थिर ताप पर गैस का आयतन द्रव के व्युतकर्माणुपाति होता है तो ये बॉयल का नियम है कि अस्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युतकर्मानी होता है ये बॉयल का नियम है नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है ठीक है जड़त्व का नियम न्यूटन का गति का पहला नियम कहलाता है चलिए नेक्स्ट न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है तो न्यूटन के गति का दूसरे नियम के समीकरण से क्या होता है वो कौन सा समीकरण बल का परिभाषा निकलता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होता है बल बराबर दरमान गुना त्वरण है ना एफ बराबर एम गुना त्वरण होता है नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है इस नियम को किस रूप में जाना जाता है ठीक है क्वेश्चन बार फिर समझिए किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए संतुलित बल के समानुपाती होता है यह नियम ये किस रूप में जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है ठीक है न्यूटन की गति का दूसरा नियम है नेक्स्ट है कि स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डेस को मापने के लिए किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका करेक्ट आंसर हो गया बल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे कम घर्षण बल कौन सा है तो सबसे कम घर्षण बल होता है इसमें से है बेलन घर्षण जो है सबसे कम घर्षण बल का मान होता है नेक्स्ट है कि एक अस्थिर बल 10 किलोग्राम दरमान की वस्तु पर दो सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है यह वस्तु के बेग को पाँच मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर दस मीटर प्रति सेकेंड कर देता है लागू बल का परिणाम ज्ञात कीजिए अब यदि बल पाँच सेकेंड की अवधि के लिए लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम बेग क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर है लगाया गया बल पच्चीस न्यूटन है और अंतिम बेग सत्रह दशमलव पाँच मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ठीक है और इसका पी भी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे आप लोग वहाँ से भी एक बार और इसको देख लीजिएगा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिस राशि नहीं है तो अधिस राशि इसमें से बल जो है ये अधिस राशि नहीं है क्योंकि बल जो है ये सदिश राशि है बाकी समय गति और दूरी ये अधिस राशि है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है तो इसमें से सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल इसमें से सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन दिए गए निम्नलिखित में से किस नियम पर लागू होता है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्र तय करती है ये जो नियम है ये किस पर लागू होता है तो ये होता है क्षेत्रफलों का नियम पर लागू होता है ठीक है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्र तय करती है ये क्षेत्रफल का नियम होता है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अभी भी अकेले कभी भी अकेले नहीं होता है तो इसमें से कौन प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है तो बल जो है ये कभी भी अकेले नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार तीन सौ न्यूटन है पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा तो पृथ्वी पर जो भार होता है उसका एक बटर छः होता है चंद्रमा पर होता है ठीक है एक बटर छः यानी कि चंद्रमा पर का जो भार है वो पृथ्वी पर क्या होता है छः गुना अधिक हो जाएगा है ना पृथ्वी चंद्रमा पर का भार से छः गुना अधिक होता है पृथ्वी पर भार होता है तो यहाँ तीन सौ न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार हो जाएगा अठारह सौ न्यूटन हो जाएगा और या तो ऐसे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर भार है ठीक है तो इसका एक बटा छः होता है चंद्रमा पर तो एक बटा छः करेंगे तो ये तीन सौ न्यूटन आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर अभी है अठारह सौ न्यूटन है नेक्स्ट है कि बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है तो बल बराबर क्या होता है बल बराबर होता है दरमान गुना त्वरण होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है कि कारों की ब्रेकिंग पेड में डेस के गुण का उपयोग किया जाता है तो कारों के ब्रेकिंग पेड में किसका तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का प्रयोग किया जाता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घर्षण का सकारात्मक प्रभाव नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मश 20 न्यू बीस किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी दो मीटर है तो इसका कोरेक्ट आंसर हो जाएगा एक सौ छियासठ दशमलव सात पाँच गुना दस के पावर माइनस दस न्यूटन हो जाएगा नेक्स्ट है कि भार का ऐसाई SI मात्रक क्या है तो भार का ऐसाई SI मात्रक क्या होता है भार का ऐसाई SI मात्रक न्यूटन होता है नेक्स्ट है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को दो मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा तो एक सूत्र आपको याद रखना है इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जैसे कि कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन गुना थीटा ठीक है W बराबर हो गया एफ डी कोष्ठिटा यानी कि कार्य दिया कितना 20 जूल तो यहाँ 20 कर दीजिए बराबर बल कितना दिया बीस न्यूटन तो यहाँ बीस करिए और दो मीटर विस्थापित होता है तो यानी कि और गुना कोष थीटा है तो यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा वो थीटा का मान ही पूछा है ना विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा तो बीस से ये बीस चला गया और दो इधर ला देंगे तो वन बाय टू हो जाएगा तो कोस थीटा बराबर वन बाय टू तो थीटा का मान क्या हो जाएगा कोश कितना डिग्री बराबर वन बाय टू होता है तो सात डिग्री बराबर होता है यानी कि कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा सात डिग्री इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सात डिग्री नेक्स्ट है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यत किया जाता है तो बल की परिभाषा न्यूटन की गति का दूसरा नियम से परिभाषित किया जाता है नेक्स्ट है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को तीन किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा तो त्वरण बल और द्रव्यमान से रिलेटेड सूत्र कौन सा होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण ठीक है अब यह अगर पूछा गया त्वरण कितना होगा तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा ये एम को इधर ला दीजिए ए बराबर एफ बटा एम तो एफ यानी कि बल कितना दिया हुआ है इक्कीस न्यूटन दिया हुआ है तो इक्कीस बटा में दरमान कितना है तीन दिया है तो बटा में तीन कीजिए तो तीन सती इक्कीस यानी कि सात हो जाएगा है ना सात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रा का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना ऑप्शन नंबर बी में है सात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है क्वेश्चन नंबर फिर समझिए कि कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है तो बल इसका कोरेक्ट आंसर है बल नेक्स्ट है कि 10 के जी दरमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो तुरंत कितना होगा ठीक तो है तो तुरन क्या हो जाएगा यही वाला सूत्र याद रखना है एक बल बराबर दरमान गुना तुरन तो त्वरण पूछा है तो बल कितना दिया है बीस है ना बीस न्यूटन एम इधर कर दीजिए दस यानी कि दो हो जाएगा ना दो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 के जी दरमान की एक पिंड पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है ठीक है 10 तो यहाँ देखिए क्या है ऑप्शन में त्वरण में दिया हुआ ठीक है त्वरण निकाल लीजिए पहले तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा एफ वटा एम है न तो एफ यानी कि बल दस दिया है और एम द्रव्यमान भी दस दिया है तो यानी कि एक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ठीक है एक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए में ही दिया हुआ है ठीक है एक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की तरन से गति करेगा है ना तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम वन के जी दरमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर पांच न्यूटन का बल लगाने पर दस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के तौर से आगे बढ़ता है तो एम टू के जी दरमान वाला एक अन्य तख्ता समान बालू समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे से के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा तो इसका करेक्ट आंसर है छः दशमलव छः सात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ठीक है।, है इसका आंसर हो गया छः दशमलव छः सात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का क्लास फोर वीडियो होता है समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें